हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेक योगर्ट। बेक योगर्ट बनाने के लिए हमने 100 ग्राम कंडेंस मिल्क लिया है। कि कंडेंस मिल्क मैंने मिल्क पाउडर से बनाया है, कैसे बनता है हमारी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। 100 ग्राम फ्रेश क्रीम, 100 ग्राम दही, दही को मैंने फिल्टर कर लिया है, छान लिया है। अभी इन सब तीनों चीजों को हम मिला लेंगे, क्रीम, दही, कंडेंस मिल्क। मिल्क पाउडर से बहुत ही अच्छा कंडेंस मिल्क बनता है। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है और ये मैंने कूलर लिया है और कूलर में ये बेक योगर्ट बहुत ही अच्छा लगता है, इसका टेस्ट अलग हो जाता है। इसमें डाल देंगे, दो कूलर में हमने ये कर लिया है और अभी हम इसे भाप से पकाएंगे। ये मैंने पानी लिया है, पानी में हम इसको रख देंगे, इस तरह से सीधा खड़ा कर देंगे। इसके ऊपर पानी नहीं आना चाहिए, पानी नीचे ही है। वो ढक्कन लगाकर धीमी गैस पर इसको हम 15 मिनट बनने देंगे। 15 मिनट हमने इन्हें धीमी गैस पर पका लिया था, इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा बेक योगर्ट बन करके तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है कुल्हड़ की। और आप इन्हें कुल्हड़ में ही बनाएं, क्योंकि कुल्हड़ से इनका स्वाद एकदम से यूनिक हो जाता है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएं, ठंडे हो जाएं, तो इसे हम फ्रिज में रखेंगे और ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। और इन्हें बनाते हुए आप एक बात का ध्यान रखिए, दही आपका गाढ़ा होना चाहिए, पतला दही नहीं होना चाहिए। अगर पतला दही है तो उसको छान लें, गाढ़ा गाढ़ा दही ले लें। और आप इसमें क्रीम, दूध के ऊपर जो मलाई आती है उसको फिल्टर कर लें, छान लें, तो वो भी एक अच्छी क्रीम बन जाती है, तो आप इसमें वो भी यूज कर सकते हैं। और कंडेंस मिल्क मैंने कैसे बनता है वो आपको बता दिया है मिल्क पाउडर से, मैं इसकी वीडियो YouTube पर शेयर कर दूंगी, तो आप इसे बनाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।